हेनरी, अगर हमें ट्रैफिक से बचना है तो अभी इसी वक्त निकलना होगा। मैं तैयार हूँ पापा। हेनरी, अभी के अभी उठो। हेनरी, हेनरी, सुबह सुबह आखिर कौन सा पहाड़ टूट पड़ा है? हम पहाड़ चढ़ने के लिए स्टोन पार्क जा रहे हैं। स्टोन पार्क? हाँ, देश का सबसे बड़ा स्टोन कलेक्शन है वहाँ। तो मैं क्या करूँ यार? तुम्हें पता है, उनके पास तो वो बड़ा सा डाइनो भी है जो कम से कम 200 साल पुराना है। गाड़ी में बैठ जाओ दोनों, चलो। मिस लवली ने कहा ये सब उनके जमाने का है, और मैंने कहा मिस लवली आप इतनी भी बूढ़ी नहीं हो सकती, और फिर वो हंसी, मैंने उन्हें हंसाया और फिर उन्होंने कहा वेरी गुड। ओहो, मेरी बात अभी तक पूरी नहीं हुई हेनरी। अच्छा है हेनरी, तुम मेरी बात सुन रहे हो ना? बताओ मत। तो हैप्पी हिप्पो नंबर वन, तुम भी स्टोन पार्क जाने के लिए एक्साइटेड हो ना? अब क्या पूरे रास्ते अपने इस हैप्पी हिप्पो से बात करने वाले हो तुम? करूँगा, जितना चाहो उतना। तो मेरा हैप्पी हिप्पो नंबर टू, वारे वाह, ओह मैं अपना फेवरेट कॉमिक बुक भूल गया। चलो निकलने के लिए तैयार? हाँ बिल्कुल। ओए मेरे लिए रुको, ये लोग तो मुझे छोड़ के चले गए। एक मिनट, ये मुझे छोड़कर चले गए। तो मुझे स्टोन पार्क नहीं जाना पड़ेगा, और मुझे पूरा दिन उस पकाओ पीटर और उसके हैप्पी हिप्पोस के साथ नहीं बैठना पड़ेगा, और मैं जो चाहूँ वो कर सकता हूँ। ये आह कितनी शांति है यहाँ। तुम ठीक तो हो ना पीटर? हाँ पापा। किलो बॉय, रात सुने का टाइम हो गया। हाँ मैंने कहा, तुमने सुना क्या? मैं हूँ सुपर कूल, कौन हो तुम? ना करना तंग, दम 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 दम। आखिरकार ट्रैफिक में फंस ही गए। क्या मैं आपके मनोरंजन के लिए गाना गाऊं? जरूर गाओ मेरे प्यारे कोयल जैसे बच्चे। चंपा चमेली मुझे है बहुत पसंद। बकवास है, बिल्कुल बकवास है, होमवर्क सबसे बकवास है। मैं हो गया बहुत ही खुश। ओहो, दिमाग खराब हो गया इस ट्रैफिक जाम में। ये सब तुम्हारी वजह से हो रहा है हेनरी। सुन रहे हो ना हेनरी? हेनरी, पापा की बात सुनो। क्यों, क्या हुआ? हमारा हेनरी, हेनरी गायब है। क्या? शायद हम हेनरी को घर पर छोड़ आए। बकवास है, सब बकवास है, ये होमवर्क सबसे बकवास है। यकीन नहीं होता कि हम उसे छोड़ कर आ गए। हम हेनरी को छोड़ कैसे सकते हैं? कितने बुरे मम्मी पापा हैं। उफ, अब हम क्या करेंगे? हाँ उसे एक फोन क्यों नहीं करते? ओ, हाँ
हाँ, थैंक यू पीटर, तुम बहुत ही होशियार बच्चे हो। फोन एंगेज्ड है। फिक्र मत करो, एक बार फिर से कोशिश करो, लग जाएगा। अभी एंगेज ही आ रहा है। दुनिया के सबसे बुरे मम्मी पापा कैसे होते हैं मुझे पता नहीं, पर मेरे वाले मुझे घर छोड़ के चले गए। वही तो, सोचो कितना कूल है ना। बिल्कुल सही कहा तुमने, अभी एंगेज्ड है। तो किसी और को फोन क्यों नहीं कर लेती? हाँ, देखती हूँ हमारे घर पहुँचने तक कौन उसके साथ जाकर बैठ सकता है। हेलो, अब तकलीफ के लिए मैं माफी चाहती हूँ, पर हेनरी के बारे में कुछ बात। हेलो, उठा लिया। दादी माँ ग्रेटा, हेनरी के बारे में कुछ कहना। क्या तुम हेनरिएटा की बात कर रही हो? हाँ, वही बिल्कुल। वो क्या है कि वो घर पर अकेली है। ओ, फिक्र मत करो, वो ठीक ही होगी, काफी समझदार बच्ची है। अब रखती हूँ, मुझे सिंगिंग क्लासेस में जाना है, बाय। मेरा हेनरी, बस वो ठीक हो। स्वागत है हेनरी राजा के महल में। अब क्या करें, कितनी बुरी माँ हूँ मैं। सोचो। ओ, याद आया। हाँ, सुनिए, क्या है कि हेनरी की, क्या आप जंग के लिए तैयार हैं मेरे कमांडर? जंग के लिए बिल्कुल तैयार मेरे महान राजा हेनरी। 3, 2, 1, अटैक। फैंग को हमेशा ये करने में कितना मजा आता है। वाह, बहुत बढ़िया फैंग। चलो अब नेक्स्ट क्या करें? चॉकलेट मिल्क बनाते हैं। अरे वाह, या फिर सुपर डुपर बोलिंग। हाँ, चलो वही करते हैं। ठीक है, हम पीटर के गोल्ड कप्स को बोलिंग रिंग्स की तरह यूज कर सकते हैं। जल्दी नीचे। वो क्या है? ओह नो, एक आंख वाला राक्षस भी हो सकता है। चलो जो भी था अब चला गया। चलो बोलिंग करते हैं, और फिर फ्रिज में एक बड़ा सा आइसक्रीम पैक भी रखा है। अरे ये वही है, एक आंख वाला राक्षस। पर वो तो सिर्फ रात को ही आता है ना। कहाँ पड़ा तुमने? वो तो याद नहीं मुझे। आखिरकार निकल गए। चंपा और चमेली। अभी नहीं पीटर। यहाँ तो कोई नहीं है। मुझे अच्छी तरह याद है उस फिल्म में क्या हुआ था। क्या? वो एक फनी सा जाल बिछाता है। मगर कैसे? वो तो याद नहीं मुझे। कौन इतना धीरे चला रहा है? एक और चीज, हमें अब यहाँ से चलना चाहिए। हाँ ठीक है, आता हूँ। मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, पूरा का पूरा डैमेज वसूल करूंगा। ऐसा क्यों? बच्चों, तुम लोग मुझे अंदर क्यों नहीं आने दे रहे थे? हमें लगा कि आप वो एक आंख वाली राक्षस हो। ओ
सिंह नहीं। आइडिया काम कर गया। हेनरी!